बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ टीवी को, आवाज़ टीवी न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ मेरा सबसे पहले मेरा नाम है माजम यमलम, मैं इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर पीएचसी एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कोलरिंग सब डिविजन का हूँ। और आज यहाँ हमारा ऑनरेबल MLA लोकम तसर जी और उसका डेवलपमेंटल टूर में, ये वाटर एरिया में अभी उनका टूर है, उस प्रोग्राम में मैं भी मौजूद हूँ। और इस सिलसिले में मेरा यहाँ पे सरली और पोलोसंग ब्लॉक में 10 विलेज का स्कीम है जल जीवन मिशन का। उस 10 विलेज वाटर सप्लाई को उद्घाटन किया है हमारा ऑनरेबल MLA साहब ने। और आज हमारा वाटर सप्लाई यहाँ पे जल जीवन मिशन का सब कामयाबी है और हर कोई कॉन्ट्रेक्टर यहाँ पे बुश्ती वाला कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं भी इस दौर में एक हिस्सा लिया। और आज हर बुश्ती पोलोसन और मिली वाविया सपे हम सब टूरिंग में है, अभी MLA के साथ में हूँ और MLA साथ DC हमारा डिप्टी कमिश्नर कुरुम कुमे डिस्ट्रिक्ट का भी है। और मैं आज आवाज TV न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज पहला जो दिल्ली में बैठने वाला पत्रकार है यहाँ इतना दुख तकलीफ जगह में आया है और हमें मौका दिया बोलने के लिए। और सर आप यहाँ ऐसा है, यहाँ पे सीमेंट एक बैग पहुँचने के लिए 6,000 लगता है। आज गाड़ी तो 2-3 साल में पहुँच जाएगा यहाँ पे, गाड़ी आधा थोड़ा मुमकिन कम था, लेकिन हमारा PMGSY का रोड भी चालू है और बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे हमारा MLA साहब भी खुश हुआ और हमारा DC साहब भी खुश है और हमारा पब्लिक भी यहाँ हम लोग को स्वागत किया है, बहुत अच्छा से होस्ट किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ पे पब्लिक के बीच में आते रहते हैं? हाँ, पब्लिक के बीच में यहाँ तो आना जाना तो हम तो करते रहते हैं, वो भी पुद मार्च से। तो लास्ट 3 महीना पहले हमारा यहाँ पे सब कंपनी बोल के हमारा मिनिस्ट्री से भेजा है जो ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के लिए, ग्राउंड सर्वे करने के लिए। हमारा 3 लड़के आए थे उस कंपनी से ना, तो आके वहाँ देखा है गांधी बुश्ती को देखा, सबसे लास्ट विलेज है वो चाइना बॉर्डर से। तो हमारा आज ये मिली है, ये सेकंड लास्ट विलेज है, यहाँ में सर्कल हेड क्वार्टर भी खुलने जा रहा है। आज बहुत अच्छा लगा। और वो लड़का सब कंपनी का 3-4 लड़के आए थे, उसने बोला यहाँ पे कितना कॉस्ट होगा, ये आपका इस्टीमेट कितना कॉस्ट है। मैंने बताया उसको 90 लाख का, उसने बोला 90 लाख तो बहुत कम हो गया, हम खाली बदन भी चल नहीं पा रहा है। तो एक तो बीमार हो गया था, एक तो बहुत बीमार हो गया था और उसके लिए हम लोग हमारा पास तो क्या वो पेन किलर तो टेबलेट था वो भी दिया और वो ठंडा पानी पी के बीमार भी हो गया। ऐसा होके बहुत तकलीफ हुआ। आज ग्राउंड रिपोर्ट को यहाँ आपने आके देखा है, यहाँ का तकलीफ कैसा है। अभी बारिश नहीं हुआ, बहुत अच्छा बात है, अगर बारिश होता तो यहाँ में निकलना जंगल घुसना भी मुश्किल और रास्ता सड़क पर चलना भी मुश्किल। यहाँ पे हम लोग ऐसा जो वर्किंग सीजन होता है, हमारा समय होता है दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी पास वीक तक यहाँ पे बारिश नहीं होता है। अभी बाहर में देखो इतना बर्फ अभी गिर रहा है और अभी कल परसों फिर से बारिश शुरू हो जाएगा, वो बर्फ का बारिश होगा, वो ठंडा बारिश होगा, उसमें हम लोग काम करना भी मुश्किल होता है, घर से निकलना भी मुश्किल होता है, आग से दूर रहना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग यहाँ जब भी आता है हमारे यहाँ विलेज पर, ये मिली विलेज और हमारा गाने यहाँ पे इतना अच्छा एकोमोडेशन देता है, बहुत अच्छा अच्छा खिलाता है, यहाँ बहुत पब्लिक बहुत अच्छा है और हम लोग को बहुत कोऑपरेट करता है। और जल जीवन मिशन आज हमारा ये कुछ बहुत पहले का बात, यहाँ पे टंकी बनाया जो वाटर कनेक्ट किया है नॉन पेरिनल सोर्स से कनेक्ट किया, तो उस कारण से थोड़ा कुछ पहले ज़माना का 10 साल पहले का जो वाटर सप्लाई स्कीम एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम है थोड़ा सा दिक्कत में है, उसको हम लोग देख लिया MLA साहब के साथ। MLA साहब ने अच्छा बात किया और हमारा जल जीवन मिशन जारी है। और एक चीज़ है जल जीवन मिशन जो शुरू में हर घर में जल बोल के शुरू किया था, लेकिन उसमें बुश्ती में हाउस होल्ड कम होने पर भी फिर भी हम लोग इस्टीमेट फ्रेम किया, जहाँ फिजिबल है ना तकलीफ है वो पानी पिलाया। आज ऐसा मिनिस्ट्री से एक ऐसा आया है जो बेलो 20 हाउस होल्ड को पानी नहीं दे पाएगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट शेयरिंग करना पड़ेगा, इस बोलने कारण से कुछ गांव यहाँ पे पेंडिंग है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी तक निर्णय नहीं लिया है। तो उसके लिए हम लोग
और वेट करा है ना। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप लोग जल जीवन मिशन जैसे आपने बताया तो पाइप के माध्यम से आप लोग पानी ऊपर पहुंचा देते हैं, तो उसका क्या मॉनिटरिंग करने के लिए भी लोग होते हैं कि पाइप कहीं टूटी तो नहीं है या पाइप में कुछ दिक्कत तो नहीं है इस तरीके का, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ है ऊपर से अगर एक पत्थर भी गिरेगा तो पाइप टूट जाएगी, तो उसका क्या मॉनिटरिंग टीम वगैरह के लिए भी आप लोग के पास? दादा हम लोग के पास मॉनिटरिंग टीम होता है। अभी ऐसा अगर हम वाटर सप्लाई एक बस्ती को हम दे दिया, देने का बाद में उसको हम हमारा कंप्लीट उसको हम एमओयू में हम लोग आपस में होता है उसमें हम लोग का हैंडिंग ओवर करता है जो इन विलेज वाटर सप्लाई कंपोनेंट उसको विलेज वाला बीडब्ल्यूएससी को देता है। बीडब्ल्यूएससी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है, वो हमारा डब्ल्यूटीपी से जो बस्ती गांव घर घर तक जो पहुँचता है पाइप पहुँचता है उसको देखभाल बीडब्ल्यूएससी को हैंड ओवर किया जाता है। उसका अंदर में हम लोग का तो उन लोग का आपस में बैठ के ग्राम सभा करके वाटर तारीफ एक यूजर चार्ज एक बुस्ती गांव वाला भी कुछ अपना अमाउंट फिक्स करके रखेगा, वो पैसा होता है यहाँ वो पैसा होता है उसको हमारा बीडब्ल्यूएससी अंदर में हमारा ग्राम चेयरपर्सन जो चेयरमैन है और हमारा जूनियर इंजीनियर जो सेक्रेटरी है मेंबर सेक्रेटरी है उन दोनों का जॉइंट अकाउंट एक होता है, उसी में जो पैसा जो होता है उसी को जमा करता है। जब भी उसमें पाइपलाइन खराब होगा जब भी कुछ मेंटेनेंस का काम होगा उस पैसा से इमीडिएट यूज़ किया जाता है। आप लोगों को सरकार समय समय पैसे देती है? पैसा देता है, टाइम से सैलरी मिल जाती है, सैलरी तो बहुत अच्छा मिलता है। सैलरी गवर्नमेंट से सैलरी कमी हम सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का है, सैलरी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन और एक आधा बात किया था मैंने जो नदी से सोर्स से डब्ल्यूटीपी तक वो हमारा डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस में रहेगा। अभी जो बीडब्ल्यूएससी का इशू में ना अभी जल जीवन मिशन जो हम लोग यहाँ वाटर एरिया में भी जहाँ में आउटपोस्ट है बहुत तकलीफ है उस जगह में भी हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन पाउंड कभी रुकता नहीं है। जब भी पाउंड इस्टीमेट खत्म होता है टीपीआई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी भी आता है यहाँ पे और रिपोर्ट दे देता है, उसके साथ साथ पेमेंट भी जल्दी हो जाता है। तो हमारा पीएचसी डिपार्टमेंट में अभी देखा है हमारा उधर हायर अथॉरिटी हमारा उसमें बोले तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है और हमारा चीफ इंजीनियर है हमारा ईस्टर्न जोन वेस्टर्न जोन का हमारा और जल जीवन मिशन के लिए स्पेशली हमारा मिशन डायरेक्टर होता है एमडी होता है ना वो उसी का जारी है और उसका सपोर्ट से और हमारा दोनों चीफ ईस्टर्न जोन वेस्टर्न जोन दोनों का सपोर्ट से दोनों का वो जो कॉपरेट से हम लोग का सक्सेसफुल ग्राउंड में होता है। कभी भी हमारा ग्राउंड में जो तकलीफ होता है समस्या को उनको पहुँचा देता है, जो भी हमारा समस्या दुख तकलीफ है समझ देता है। हमारा टीम वर्क अच्छा है अरुणाचल जल जीवन मिशन टीम अभी एकदम फुल स्विंग है एकदम बहुत बढ़िया है और हम बहुत खुशी काम करवा के मैं खुद यहाँ का लोकल लड़का हूँ और यहाँ में जो मैं काम करता हूँ आत्मा से करता हूँ अपन दिल से। लेकिन कुछ पब्लिक है कोऑपरेट करता नहीं है समझता नहीं है जो गलत सोच लेता है जो भी करने से गलत सोच लेता है लेकिन ऐसा सोचता नहीं है उसको भी समझा दिया मैंने। अभी हमारा पब्लिक भी सुधर में आ गया समझ गया हर जगह में देखो टंकी बढ़िया बढ़िया टंकी बनाया यानी पब्लिक और ऑफिसर के बीच में अच्छा बॉन्ड हो चुका है जो उसमें अच्छा बॉन्ड ही होता तो काम का बीच में झगड़ा तो आर्गुमेंट तो हो लेता है आर्गुमेंट खत्म होने के बाद में फिर सुधर लेता है क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा के लिए जो भी हल्ला करता है वो अच्छा के लिए करना है जो भी आर्गुमेंट होता है अच्छा के लिए जो आउटपुट अच्छा होना है। और हम जितना भी आदमी पीछे में जितना बोलो जितना कुछ भी करो ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं बोलो हमारा काम सही हो वो आखिर लास्ट में वो ठीक ही हो जाएगा और हमारा पब्लिक को हमारा इमेज वो है पब्लिक कौन तो थोड़ा आप पैसा ले लो काम करो ना और लेकिन हमारा जो काम करने नहीं मिला है हमारा बस्ती वालों है वो तो बम्बू का जुगा से लकड़ी बोकना नहीं चाहिए पानी बोकना नहीं है वो घर में बैठे पानी अभी तो हर घर में पानी और कुछ जहाँ तक जो जेजेम आ चुका है पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे आप अभी सिंसियरिटी से अपना काम कर रहे हैं इस तरीके से ये भारत का आखिरी गांव है मिली इसके बाद आर्मी आखिरी गांव काम है इसके बाद आर्मी कैंप है फिर चीन शुरू हो जाता है यहाँ से चीन तो चीन आप बॉर्डर पे जिस प्रकार से पानी पहुँचा रहे हैं तो ये बहुत तारीफ की बात है और आप ऐसे काम करते रहे अवर टीवी की टीम आपसे ये अवर टीवी आपको भी मैं दौड़ देता हूँ आप भी यहाँ पहला आप पत्रकार है यहाँ पहुँचा है और हमको भी हम कभी दूसरा जगह मीडिया में बात करने नहीं मिलता है लेकिन यहाँ आके एमएलए साहब के साथ आके आपको मिलके मैं बहुत खुश हूँ और अपना यहाँ का दुख तकलीफ को यहाँ का रियलिटी को बताने का मौका हमें दिया मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।